और खरदूसर तीसरा संहार साथ साथ पूर्ण नारायण है। और जिस नारी की बात कर रहे थे कि दो तपसियों के साथ एक नारी भी है, उस नारी का क्या कारण है जानते हो? और सीता अवतार सत्य का है। वो नारी कोई महमूली नारी नहीं है, सीता अवतार सती का है। से वाह भांजे वाह, क्या बात कर रहे हो? माया मिर्ग बन जाऊं बहकाऊं? नहीं भांजे नहीं, तू रावण को ज्ञान सिखा रहा है। ओ तेरी मदद है, तू ज्ञान मुझे सिखलाता है। रावण तुमको अपना अंतिम निश्चित जाएगा, कभी नहीं साथ में जाएगा, पृथ्वी मरा दिखाएगा। तो सिलेश अगर मेरे साथ चलना है तो चल, करने के लिए तैयार हो जा। शांत भांजे शांत भांजे, अभी भी तुम्हें समझा रहा हूं कि उन बालक के पीछे मत पड़ो। उनसे जो पैर बढ़ाते हैं, जो उनसे पैर बढ़ाते हैं, वो आखिर मारे जाते हैं। वो जो उनसे पैर बढ़ाते हैं, वो आखिर मारे जाते हैं। बेमौत मौत के घाट वही जो वक्त उतारे जाते हैं। हरना है तो निर्दोष हरो, कोई नेक काम करो भांजे। हारना है तो निर्दोष हरो, चोरी का करना ठीक नहीं। हारना है तो निर्दोष हरो, नारी का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। चोरी का करना भांजे, अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है, और परनारी घर में लाने से, परनारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाए। भांजे, करना है तो शुभ कार्य करो, नारी का हरना ठीक नहीं। भांजे क्या कह रहे हो? माया मिर्ग बन जाऊं? नहीं, प्रभु कर पीछे हटने वाले सम्मान कभी क्या पाते हैं। पीछे मामा मानी मैं जाते
तेरे पास मदद हेतु आया था, लगता है तुझको स्वर्गवास ही भेजना पड़ेगा, तो चल मरने के लिए तैयार हो। शांत भांजे शांत, शांत हो जाओ भांजे दशानन, शांत हो जाओ। इस पापी के हाथ मरना ठीक नहीं है, नारायण के हाथ मर जाऊंगा मेरा उद्धार हो जाएगा। और इस दशानंद के हाथ मरने से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, भगवान के हाथ मर जाऊंगा मुझे मुक्ति मिल जाएगी। दशानंद ठीक है, जो तू कह रहा वही करने के लिए हम तैयार हैं, आपसे यही उम्मीद थी। चलिए इसी समय ना विलंब करते हुए पंचवटी चलिए मेरे साथ। ठीक है भांजे, माया मृग बन के पंचवटी की तरफ हम जा रहे हैं, उन दोनों तपसियों को बहका करके इतनी दूर ले जाऊंगा, इतनी दूर ले जाऊंगा कि वो वापस नहीं आ सकते। अब देखता हूं वो तपस्वी क्या करते हैं, उनकी नारी को हर घर लाऊंगा। और वो तपस्वी मुस्कुराए हुए अपने शिष्य को वापस लौट जाएंगे। जाओ भांजे, तुम जोगी बन जाओ, मैं माया मृग बन के आ रहा हूं। जाओ भांजे, चलो मैं पीछे से जाऊंगा। वाह दशानन वाह, तुझे मालूम नहीं है कि वो दोनों बालक कोई साधारण बालक नहीं है। अब मुझे उम्मीद हो गया है कि तुम्हारा विनाश होने वाला है दशानन, तुम्हारा विनाश होगा। अब मैं जा रहा हूं एक माया मृग बनके उन दोनों तपसी को बहकाऊंगा, बहुत दूर ले जाऊंगा और उन दोनों तपसियों के हाथ मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे इस दुनिया से छुटकारा मिल जाएगा। दशानन तेरे हाथ मरना मुझे ठीक नहीं है। वाह दशानन वाह, Thank you.
नाथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे सुनहु देव रघुबीर कृपाला, देखा ना सुना जय साया सुगर सलोरा है, जय साया हे नाथ खाल लाओ इसकी, तो कुटिया का सिंगार करूं, तो कुटिया का सोने की मृग की मृग छाला, क्या यत बुद यादगारी करूं, क्या यत हे प्राणनाथ, ये मृग की छाल अगर हमको मिल जाए तो ये अपनी कुटिया इतनी सुंदर लगेगी। हे प्राणनाथ, इसकी छाल मुझे लाइए। क्या कहा? जो भी अभी आश्रम में मृग दिखाई दिया, तुम उस मृग की बात कर रही हो, मैं उसका मृग छाल ले आकर आपको दूं तो आप अपनी कुटिया का श्रृंगार करना चाहती हैं, तो ठीक है। यदि तुम्हारे मन में यही इच्छा है तो मैं इस का वध करके इसका चर्म अवश्य ले आऊंगा। तात लक्ष्मण, ओ भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तुसी दही केर की हो रखवारी, बुद्ध विवेक बल समय बिचारी, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, मैं उस मृग को मारने के लिए जा रहा हूं, और तुम्हें ये आज्ञा है सीता की भली प्रकार से रखवाली करना। जब तक मैं वहां से वापस ना आ जाऊं, तुम कहीं इधर उधर मत आना जाना, क्योंकि यहां पर जंगली जानवर नाना प्रकार के राक्षस यहां विचरण कर रहे हैं, इससे अगर ये अकेले रहेंगी तो इन्हें बहुत भय लगेगा, इसलिए तुम इनकी देखभाल करना। क्या हो भैया? दोस्तों, अब लंका पर दशानन साधु के भेष में आ, Thank you.
हाँ, ध्यान दीजिएगा किस तरह से माया मृग प्रभु श्री राम को दौड़ा रहा है। ध्यान दीजिएगा किस तरह से माया मृग के पीछे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम दौड़ रहे हैं। ये वही मारीच है। लक्ष्मण सीते हे मारी, मैं तुम्हें पहले ही समझ चुका था कि तू कोई साधारण मृग नहीं है, तू माया मृग है। लेकिन तू चाहता था कि तेरा उद्धार हो, आज तेरा उद्धार हो गया है। और अगर तू चाहे तो मैं तुझे पुनः उसी प्रकार से कर सकता हूँ जैसे तू पहले था। नहीं प्रभु, नहीं, आपके हाथों मरकर मेरी मुक्ति हो गई। अब मैं चलना चाहता हूँ। हाय राम, हाय राम।